जय जाता सभी का स्वागत है। और आज हम लोग GS GK के विविध के एक महत्वपूर्ण सेशन आपके सामने लेकर आए हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। आप सब कॉपी कलम के साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि अब की बार सिलेक्शन हमारे एक्सेट हमारे के लिए सेशन को हम लेकर चलेंगे। और ये वीडियो काफी अहम और काफी महत्वपूर्ण है, और हम चाहेंगे कि ऐसे सेशन को आप लोग पढ़ें ताकि आप उन परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को आसानी से कर सकें और आसानी से उस पर बेहतर हो सके। ये सेशन, ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न आपके बोर्ड आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर था। तो सबसे पहले बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये पत्तन क्या होता है। वो आपके भी मन में ऐसा आ रहा होगा कि सर ये आखिर पत्तन होता क्या है। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे ये पत्तन होता क्या है। पत्तन का मतलब जो होता है वो बंदरगाह होता है। पत्तन का मतलब क्या होता है? बंदरगाह होता है। तो कालीबंगन, लोथड़, मोहनजोदड़ो, रोपड़, तो प्रश्न नंबर एक की बात करते हैं, यहाँ पर लोथड़ था। और आप लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है, आपके मन में सवाल का उत्तर बी आया है, तो आपके जवाब पूरी तरह से सही, क्योंकि निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, देशित में और राष्ट्रहित में, क्योंकि अभी की बार एक्सिट हमारे के लिए आप सभी साथी पढ़ रहे हैं, आप सभी साथी सेशन में बने हुए हैं। तो आप लोग जरा बताइए कालीबंगन क्या था, मोहनजोदड़ो क्या था, कि बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो सेशन में बने होंगे और इस वीडियो को क्रमवार से पढ़ रहे होंगे। तो सभी साथी फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके इस बारे में जरूर बताएंगे। जी हाँ, कालीबंगन मोहनजोदड़ो क्या था, किस लिए प्रसिद्ध था, रोपड़ किस लिए प्रसिद्ध था, कालीबंगन क्या था, जब इलानी पे दुर्गेश के नोट्स अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा जो फैक्ट चीजें है ना वो एक एक करके क्रम और रूप से सामने मिलती है, और उसी क्रम के हिसाब से हम सभी साथी इस सेशन में बने रहते हैं। हम बढ़ते हैं इसी के साथ नए प्रश्न, नए सवाल की तरफ। तो जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे थे वे सभी फटाफट कमेंट करेंगे। ये वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर निःशुल्क लाइव आपके लिए चल रहा है, तो आप सभी साथी इस सेशन में बने रहेंगे। एक नया सवाल आपके सामने है, प्राचीन कालीन ऐतिहासिक जीवनियों को सुमेलित करना है। बुद्ध चरित, हर चरित, ब्रिकमांकदेव चरित, रामचरित, नौ संघासन चरित, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये अगर देखेंगे ये रचनाएं आपको प्राचीन भारत के इतिहास में खूब ज्यादा देखने को मिलती हैं। मतलब अगर हम ये बात करें तो प्राचीन भारत के इतिहास से ये सवाल खूब झोला भर भर के पूछे जाते हैं। तो जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी मित्र इस कॉमेंट सेक्शन में जाएंगे और कॉमेंट करके जवाब जरूर देंगे। अगर हम बात करें बुद्ध चरित की, तो बुद्ध चरित अश्वघोष की रचना है। हर्षचरित बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर्षचरित किसकी रचना है कमेंट करिएगा, ये वाण भट्ट की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें कि रामचरित, तो रामचरित किसका संबंध, जरा कमेंट करके बताइएगा, तो ये संध्याकृत नंदी की है। नौ संघासन जो चरित है ये किसकी रचना है, सभी सदी जवाब दीजिएगा, ये है पद्म गुप्त की है। बच्चा आपके पास विक्रमादेव चरित की, तो ये विल्हड़ की रचना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जितने भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे फटाफट सेशन का जवाब भी देते रहे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करते रहे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। हम बढ़ते हैं इसी के साथ, इस प्रश्न का उत्तर बी होगा, हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को फटाफट सभी लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। अगला सवाल आपके सामने है कि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासन के प्राप्त हुए, कालाशोक के, अजातशत्रु के, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, ये सब आपको इलानी में दुर्गेश के नोट्स में मिल जाएंगे। तो जितने भी साथी इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं, हमारे साथ देख रहे हैं, वे कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके प्रश्नों के जवाब देते रहेंगे, और वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर भी करते रहेंगे। जी हाँ, इस प्रश्न का सबसे जो सही उत्तर होगा वो होगा अशोक, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी होगा, ठीक। अगला सवाल जो आपके सामने है, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है, मतलब लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा, ये प्राचीन भारत के इतिहास का सवाल है, किसे संस्कृत के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है, संस्कृति के क्षेत्र विस्तार का, संस्कृति के आकार का, संस्कृति के स्वरूप का, संस्कृति के काल मापन का, सभी साथी जवाब देंगे जितने भी लोग इस सेशन में बने हैं, इस सेशन को हमारे साथ देख रहे हैं। जी इस प्रश्न का उत्तर होगा संस्कृति के काल मापन का, डी इस प्रश्न का सही जवाब है, था इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, डी। मतलब अगर आप लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है तब सबके जवाब पूरी तरह से सही हैं। हम बढ़ रहे हैं इसी के साथ एक नए प्रश्न, एक नए सवाल की तरफ, जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगला है, रंगपुर और हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मतलब परीक्षा अगर बात करें तो बहुत बार पूछा गया है, किस किस समकालीन सभ्यताएं थी, रंगपुर हड़प्पा जो समकालीन सभ्यताएं थी वो किस किस समकालीन थी, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र, राजस्थान, जवाब सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं यार वीडियो को शेयर करिए, पैसे नहीं कटते आपके, एकदम सही जवाब आपने दिया है सौराष्ट्र, ये मॉडल पेपर की सीरीज जो आपकी परीक्षा में बार बार सवाल आते हैं जीएस के। अगला है, क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या है, तो सभी साथी जवाब देंगे कि जो क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का मतलब क्या है, ईश्वर में विश्वासी, एक वंशानुगत जाति, किसी विशेष धर्म विश्वास रखने वाला,
एक उत्तम व्यक्ति। तो यहां पर इस प्रश्न का जो सबसे सही और राइट आंसर होगा वह होगा एक उत्तम व्यक्ति। मतलब अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही। सभी लोग फटाफट वीडियो को शेयर करते जाएं और अपने मित्रों को भी इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, एक उत्तम व्यक्ति। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो आपके सामने है। अगला प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कह रहा है त्रई नाम। त्रई नाम जो है यहां पे ध्यान से देखिएगा, कह रहा है त्रई नाम है तीन वेदों का, धर्म संघ व युद्ध का, हिंदू धर्म के तीन देवताओं का, तीन मौसम का। तो सभी लोग जवाब देंगे, काफी अहम और काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं चाहूंगा इस प्रश्न का जवाब आप सभी लोग जरूर दीजिएगा। त्रय जो कहते हैं वो तीनों वेदों को कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि वेदों की संख्या तो चार है, अगर वेद की बात की जाए तो वेद चार है। तो ये प्रथम जो तीन वेद होते हैं उन्हें हम त्रयी के नाम से जानते हैं। सबसे नया वेद कौन सा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा कि सबसे नया जो वेद है वो कौन सा वेद है। अगला है वैदिक युगीन सभा। जो वैदिक युगीन सभा थी वो कौन सी सभा है, गांव के व्यवसायी लोगों की सभा थी, राज दरबार होता था, मंत्रिपरिषद थी, या राज्य के समस्त लोगों की राष्ट्रीय सभा थी। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। जी हां, अगर वैदिक सभा की बात करें तो यहां पर मंत्रिपरिषद थी। क्या थी, मंत्रिपरिषद थी। तो मेरा सवाल आप सभी से है कि जो वैदिक युगीन सभ्यता थी वो क्या थी। तो सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके इस बारे में जरूर बताइएगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जाना है, कमेंट करना है, अपने सभी मित्रों को इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। पैसे नहीं लगेंगे चाहे इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं। जी हाँ अमित जी, आप फेसबुक पे देख रहे हैं, ठीक है। आप सभी लोग इस वीडियो को अपने लोगों तक पहुंचाते हैं क्योंकि ये सीरीज काफी अहम काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से परीक्षा में सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं, झोला भर भर के सवाल भी आते हैं। यहां पर हम बात करें अगले सवाल की तरफ, अगर हम बढ़े तो यहां पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका, हाँ यहां तक कोई दिक्कत किसी कोई समस्या प्रश्न हो तो पूछ सकता है। चलिए अगला सवाल आपके सामने, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। जी हां, अगर हम यहां पे बात करें तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे, मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गोरी। अगर आप डेली क्लास में होंगे तो आपने यकीनन देखा होगा, ऐसे प्रश्न को मैंने कई बार पढ़ाया है और आपने भी इसे कई बार पढ़ा है। तो सभी साथी फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके इसका जवाब जरूर देंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा क्योंकि अभी की बार एक सीट हमारा सिलेक्शन लेना सभी को। हाँ देखिए, मैं भी शेयर करता हूँ वीडियो को, आप लोग भी शेयर कर दें क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारी उतनी है जितनी की मेरी। ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देशहित में है, राष्ट्रहित में है, इसका मतलब है कि ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, आप लोग जवाब देते रहिए फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए, हमने तो वीडियो को शेयर कर दिया, अब आपकी बारी है, आप लोग भी वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें। चलिए, यहां पर है मोहम्मद बिन कासिम। जी हाँ, अगर बात करें तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम जो है ना वो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। एक सवाल हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, ध्यान से जवाब दीजिएगा कि मोहम्मद बिन कासिम कहां से आया था या कहां का था। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा कि मोहम्मद बिन कासिम कहां का था। ये सवाल हमने करा लिया है, अगर आप लगातार प्रैक्टिस में होंगे मॉडल पेपर सीरीज प्रतिदिन अगर आप टाइम से देख रहे होंगे तो आपको इस प्रश्न को याद होगा। हमने पूछा था कि मोहम्मद बिन कासिम कहां से भारत में आया था। अगला सवाल है फिरोज शाह तुगलक से, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था। यह ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में, अगर आपने ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स पढ़ा है तो आपको मिल जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आज ही नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं सभी लोग। तो बताइए फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था, एक दानशाला था, एक खैराती अस्पताल था, एक पुस्तकालय था, या तीर्थ यात्रियों के लिए एक अतिथि गृह था। तो एकदम सही आपने जवाब दिया, एक खैराती अस्पताल था। मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ रहे हैं फिर से एक नए सवाल, एक नए प्रश्न की तरफ आपके साथ जो आपके सामने है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूंगा सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दें। निम्नलिखित पर विचार करना है, सही कालानुक्रम क्रम करना है। जब भी मैं पढ़ाता हूं, जब आपने पढ़ा होगा हमारे सेशन को या नोट्स को तो उसमें देखा होगा हम कालानुक्रम का जिक्र बहुत करते हैं। हर बार पेपर में एक सवाल आता है किसी भी सेक्शन में, कभी संविधान में पूछ देता है, कभी इकोनॉमिक्स में पूछता है, कभी ज्योग्राफी में पूछता है, अलग अलग तथ्य। लेकिन जब हम बात करते हैं कि जो प्रमुख स्थापत्य कला थी, प्रमुख शासन का कार्यकाल था, तो वहां से ही पूछा था कब किसका किसका क्या क्या हुआ। यहां पर है तुगलकाबाद का किला, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी। अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले यहां पर कुतुब मीनार है। मेरा सवाल है कुतुब मीनार
किसने नींव रखी थी, किसने इसे पूरा कराया था, किसने इसकी मरम्मत कराई, तो कुतुब मीनार से तीन बड़े सवाल बनते हैं कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, दूसरा कुतुब मीनार को पूरा किसने कराया था, बाद में बिजली गिरने की वजह से उसका एक फ्लोर तो जानते ही समझ रहे होंगे क्षतिग्रस्त हो गया था, उसकी मरम्मत किसने कराई थी, यह भी सवाल पूछा जाता है। दूसरे नंबर हम बात करें तो तुगलकाबाद का किला था, और उसके बाद तीसरे नंबर पर लोधी गार्डन, और सबसे लास्ट में आएगा फतेहपुर सीकरी। यही इसका क्रम है। फतेहपुर सीकरी कहां पे है, मेरा सवाल आपसे, आज अगर देखा जाए वर्तमान में तो फतेहपुर सीकरी किस जनपद में है? तब कहेंगे सर मैनपुर के बगल में है आगरा, आगरा जिले में फतेहपुर सीकरी है, मथुरा जिले के बगल में है, तो जो उसके आसपास क्योंकि इटावा का होगा कहेगा सर आगरा में है, तो इसका उत्तर क्या होगा, फतेहपुर सीकरी। यहां पर मतलब फतेहपुर सीकरी में क्या प्रसिद्ध है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा किसकी राजधानी फतेहपुर सीकरी थी। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा डी, अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया तो आपका जवाब सही। अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। विजयनगर साम्राज्य आपने पढ़ा है, हमने नोट्स में भी अपने लर्निंग विद दुर्गेश के पढ़ा होगा, वहां पे जरा कमेंट कर बताइए क्या था, अधिशेष लगान, बंदरगाहों से आमदनी, मुद्रा प्रणाली, भू राजस्व। तो देखिए अगर ऐसे प्रश्न कभी परीक्षा में आ जाए, किसी भी शासक का पूछ ले, तो पहला टिक तो यही दिमाग लगाया करिए, हाँ यार जमीन से जो मिलता था ना वही उनका कर होता था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा भू राजस्व, मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है आपका बी है। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल की तरफ, आप लोग की संख्या कम हो रही, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से गलत, बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग सवाल, ऐसे सवाल परीक्षा में खूब झोला भर भर के पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से गलत को आपको पहचानना है, तो जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं बताइए फटाफट कमेंट करके, इसमें क्या होगा, चिश्ती दिल्ली और दबाव क्षेत्र में है, औलिया मध्य प्रदेश है गलत है, सोहरावर्दी क्या सिंध में है, फिरदौसी बिहार में है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बी, माने जो गलत है वही हमारा सही है। फिर से अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक में सही नहीं है, यह भी आपको नोट्स में मिल जाएगा, यहाँ पे कह रहा है कौन सा नहीं है, सभी लोग को जवाब देना है। कह रहा पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था, दूसरा कब हुआ था कमेंट करके बताइएगा, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था कमेंट करके बताइएगा। हमने कई बार इसकी जिक्र किया आपकी कक्षाओं में, तो मैं चाहूंगा आप सभी लोग बताइए कि पानीपत का तीनों युद्ध कब कब किनके बीच हुआ था। दूसरा है चंदेरी का युद्ध 1530 में, ये गलत है, घाघरा युद्ध 1530 सही है, खानवा युद्ध 1527 सही है। तो अगर देखा जाए ये चारों युद्ध किसने लड़ा था, बाबर ने, लेकिन ये चारों युद्ध अगर बाबर की बात से, खानवा, घाघरा, पानीपत, बाबर का है। चंदेरी युद्ध क्या हुआ जरा कमेंट करके बताइए, चंदेरी का युद्ध किनके बीच हुआ था और कब हुआ था, कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा जितने भी लोग इस सेशन को पढ़ रहे हैं, जितने भी लोग इस सेशन में बने हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बी। अगला है, खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था, अमीर खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बहादुर शाह प्रथम, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा, चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं जहां भी देख रहे हैं। तो खुसरो जो था ना वो जहांगीर का पुत्र था। मेरा सवाल आपसे है खुसरो का वास्तविक नाम क्या है, खुसरो का अच्छा ये वास्तविक नाम मतलब खुसरो का वास्तविक नाम क्या है, अच्छा वैसे इसका वास्तविक नाम ही खुसरो है लेकिन खुसरो का एक और क्या नाम है, सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला है, रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी, इस प्रश्न का उत्तर तो बी हो गया, ठीक है। रैयतवाड़ी प्रथा किसने प्रारंभ की थी, थॉमस मुनरो, मार्टिन वर्ड, कार्नवालिस, लाडलहौजी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आधुनिक भारत के इतिहास की अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक माना जाता है रैयतवाड़ी प्रथा, और ये इंग्लैंड में दुर्गेश के नोट्स में आपको मिल जाएगा जहां इस प्रश्न का उत्तर होगा सर थॉमस मुनरो, इस प्रश्न का सही जवाब है। आप इन प्रश्नों की स्क्रीनशॉट करते चलिए, वैसे हम आगे आपको इसकी पीडीएफ क्लास खत्म होने के बाद उपलब्ध करा देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था, तात्या टोपे, महाराज राम सिंह, टोंक के नवाब वजीर खां, आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, किताबों में आपको बहुत कम देखने को मिलता है। डेली क्लास वाले टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके आज ही लेने भी दुर्गेश को ज्वाइन कर लेंगे, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर। यहां पे आउवा के ठाकुर कुशल सिंह, मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका डी। अगला सवाल है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, कह रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1884 सही है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 ये भी सही है, 1804 ये दोनों सही है। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जी हां, देखिए यहां पे एक सवाल आया था, एक जवाब आया है कि खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, तो देखिए वो अमीर खुसरो थे, ये खुसरो केवल है,
जी एक जवाब है एकता जी का, उन्होंने कहा है कि तोतिये हिंद, तो अब फिर से आप ध्यान दीजिएगा, वो अमीर खुसरो थे, ये खुसरो केवल नाम है और खुसरो का इनका और एक नाम है, ठीक है। तो इसके बारे में भी एक बार आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा, एनसीईआरटी में भी इसका जिक्र है। यहां पर है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1823, ये भी सही है। लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल 1844, यही इसका गलत है, और जो गलत है वही इसका सही है। मतलब इस प्रश्न की बात करें तो यहां इस प्रश्न का उत्तर होगा डी। बहुत इंपॉर्टेंट, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? राज बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, जतींद्रनाथ मुखर्जी, सचिंद्रनाथ सान्याल। तो सभी लोग जवाब दीजिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग फटाफट जवाब दीजिएगा। यहां पर होगा जतींद्रनाथ मुखर्जी, सी वालों का जवाब यहां पर पूरी तरह से सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो आपके सामने है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निष्क्रिय विरोध, महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष। इस प्रश्न का उत्तर होगा, इसको स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, निष्क्रिय विरोध, अरविंद घोष इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ रहे फिर से नए सवाल की तरफ जो आपके सामने है, आपको एनी वेसेंट दिख गया होगा पहले ही। एनी वेसेंट मुख्यतः संबद्ध रखी है किससे? सविनय अवज्ञा आंदोलन से, गृह शासन आंदोलन से, खिलाफत आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से। तो होगा गृह शासन आंदोलन, अर्थात सवाल का उत्तर होगा आपका डी। उधम सिंह ने लंदन में किसे मारा था? बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको सबको यह पता होगा, अगर आप एक तैयारी कर रहे हैं एक सरकारी नौकरी की तो आपको उधम सिंह के बारे में जानना होगा। और इसका संबंध अप्रैल महीना से है, इसका संबंध 1919 से है, इसका संबंध जलियांवाला बाग हत्याकांड से है। जी है, एकदम सही आप लोगों ने बताया, जनरल डायर, लॉर्ड हार्डिंग, सर माइकल वो डायर, लॉर्ड विल्टिंग। तो बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यहां पे दो डायर, एक जनरल डायर है एक सर माइकल ओ डायर। इस प्रश्न का उत्तर होगा सर माइकल ओ डायर, दोनों में डायर डायर है भैया, कुछ लोग ए भी लगाएंगे कुछ लोग सी भी लगाएंगे। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो होगा सी, ठीक है। 21 का ध्यान से देखिएगा, गृह शासन आंदोलन से है, इसको अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो इसका अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। अगला है, कोचीन का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा है, अलेप्पी है, तिरुवनंतपुरम है, अलवाय है, एर्नाकुलम है। तो कोचीन की अगर हम बात करें, जी हाँ ध्यान से देखिएगा, अगर हम कोचीन की बात करें इस प्रश्न में तो क्या होगा? एर्नाकुलम होगा। सिकंदराबाद का जुड़वा, सिकंदराबाद का जुड़वा शहर कौन सा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा सभी लोग, एक नया सवाल आपके लिए है। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं आपके साथ, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने है, लक्षद्वीप समूह की, अभी तक हम लोगों ने इतिहास से जुड़े प्रश्न को पढ़ लिया, इसे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, एक तरह से देखा जाए तो चार विषयों को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम जो पढ़ रहे हैं आगे, अब यहां से भूगोल के सवाल शुरू होते हैं। पहला सवाल जो है वो आपका लक्षद्वीप समूह जो है ये भारत के भूगोल से है, और हम चाहेंगे इस प्रश्न का जवाब सभी साथी दीजिएगा। लक्षद्वीप कहां पर है? अगर हम इसको एक छोटा सा मैप ड्रा करें तो जैसे यही ये भारत का मान लीजिए ये मैप हो गया, ठीक है। तो यहीं पर है लक्षद्वीप, तो जो लक्षद्वीप कहां पर है उसे कहा जाता है अरब सागर। मेरा सवाल है, अरब सागर को भारत के कितने राज्य स्पर्श करते हैं? मेरा बताइए, पांच राज्य स्पर्श करते हैं। सबसे यहां पर गुजरात है, महाराष्ट्र है, उसके नीचे छोटा सा गोवा है, कर्नाटका और केरला है। तो कुल पांच राज्य हैं जो बंगाली खाड़ी को या सॉरी अरब सागर को स्पर्श करते हैं, और चार राज्य ऐसे हैं जो समुद्र रेखा साझा करते हैं और बंगाली खाड़ी का स्पर्श करते हैं। यहां पर देखेंगे तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है, ठीक है। तो पांच इधर चार इधर, कुल नौ राज्य ऐसे हैं जो समुद्र सीमा रेखा, समुद्र सीमा जिनकी है। दिल्ली राजधानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आपके मन में आएगा सर तो दिल्ली की बात की जा रही है। दिल्ली राजधानी कहां की है? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान की, लाओस की, पूर्वी तिमोर की। तो पूर्वी तिमोर की 20 प्रश्न का सही जवाब है। भारत का दक्षिणतम पर्वतमाला, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी लोग जवाब दीजिएगा। नीलगिरी की पर्वत, अन्नामलाई, नल्लामलाई, कार्डेमम। आप लोग जब भी अन्नामलाई नन्नामलाई सुनते होंगे, कार्डेमम की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, सह्याद्री श्रेणी, तो ये सब दक्षिण भारत की पहाड़ियां हैं, और ऐसा नाम भी लगता है अजीब सा, अच्छा हाँ यार ये तो दक्षिण भारत की ही है। जो यूट्यूब पर देख रहे हैं वीडियो को शेयर करते हैं, पैसे नहीं लगेंगे, सभी लोग फटाफट शेयर मार दें। जी है, कार्डेमम की पहाड़ी एकदम सही जवाब है डी। कार्डेमम की पहाड़ियां मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? डी होगा। हम बढ़ रहे फिर से नए सवाल, नए प्रश्न की तरफ।
अगला आपके सामने, देखिए यहाँ पर नोट संबंधी जानकारी है, बिलनी पे दुर्गेश के नोट्स घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं सभी लोग। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर भी, मेरी क्लासेज आप सबके लिए निःशुल्क रहती हैं। यूपी पीसीएस हो गया, इसके साथ साथ आप बीओ के नोट्स है, आरओ एआरओ के भी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, केवीएस के, लेखपाल के, यूपी ट्रिपल सी पेट के हैं, सुपर टेट के नोट है, पुलिस के नोट्स हैं, यूपी टेट और सी टेट के भी नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं घर बैठे, ठीक है। ई लर्निंग में दुर्गेश ऑफिस के नंबर पर, जनपद जौनपुर से क्लासेज चलती हैं, मेरे द्वारा सभी क्लासेज आपके लिए निःशुल्क हैं। अगला सवाल आपके सामने है, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। अगर भारत की भूगोल की बात पूछा जाए और पूछा जाए सबसे ट्रेंडिंग सवाल कौन सा है, सबसे यूनिक सवाल कौन सा है, जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, तो आप कहेंगे सर इसका नाम है अरावली। अरावली यहां पर इसका अरावली बाहर जाके बात करिए आप, अरावली यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी, मतलब अरावली पर्वत श्रेणी, मतलब अगर फिर इसको लाके दीजिएगा, अरावली पर्वत जो श्रेणी है ना, ये सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमालय की नदियों की प्रमुख विशेषता है, उसमें गाढ़ निक्षेप अधिक होता है, उसमें पानी लगातार बहता है, उसमें अधिकांश वर्षा का पानी होता है, वे नग्न होती है। बहुत सारे सवाल इस प्रश्न में आते हैं, जब भी पूछा जाता है कि जो हिमालय से निकलने वाली नदियां होती हैं उनके बहुत सारे चीजें होते हैं। पहला, ये सदा नीरा होती हैं, इसे पूरा वर्ष भर जल भरा होता है, ये इनकी लंबाई बहुत होती है, क्या होती है, इनकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, ये मैदानी पर्वतीय क्षेत्रों से होते हुए जाते हैं, इन नदियों से प्राय बाढ़ भी आते हैं। ये पूछा जाता है कि सर हिमालय नदियों पर्वतीय नदियों में क्या अंतर होता है, मैंने पढ़ाया है, अगर आपने भूगोल की सीरीज पढ़ी होगी, भारत के भूगोल, विश्व भूगोल की नदियां, या नोट्स पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, उसमें मैंने एकदम स्पष्ट बताया है कि जो नदियां, जैसे जो नदियां पठारी क्षेत्रों से निकलती हैं उनकी लंबाई कम होती है, वो प्रायः जलप्रपातों का निर्माण करती हैं, ठीक है, लेकिन जो नदियां हिमालय से निकलती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, ये आप लोग जानते रहेगा। इसमें क्या होता है, पानी लगातार बहता है, अर्थात सवाल का उत्तर होगा बी, इसे हम सदा नीरा के नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं, सदा नीरा। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित कथनों में से एक सत्य नहीं है, तो आपको बताना है कि कौन सा सत्य नहीं है। पेन गंगा गोदावरी की सहायक नदी सही है, नोट्स में है। निजाम सागर मांजरा नदी पर स्थित, ये भी सही है। नर्मदा अमरकंटक क्षेत्र से निकलते, ये भी सही है। घग्घर के जल का इंदिरा गांधी नहर उपयोग किया जाता है, ये गलत है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी होगा। अगला सवाल है कि भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र निम्नलिखित में से है, अगर पूछा जाए भारत में शरदकालीन जो वर्षा के क्षेत्र है वो क्या क्या है, मतलब यूं कह सकते हैं कि लौटते मानसून से ठंडी में अगर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा, ठीक है, ठंडी में अगर पूछा जाए कि कहां पे वर्षा होती है तो क्या बताएंगे आप लोग, ठीक है, बताइए सब लोग फटाफट कमेंट करके कि ठंडियों में वर्षा कहां होती है, तो लौटते मानसून से वर्षा होती है। अगर हम लौटते मानसून की बात करेंगे तो आप इस प्रश्न का जवाब क्या देंगे, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। अगर हम लौटते मानसून की जब भी बात करते हैं तो वहां पर आपका तमिलनाडु होता है, तमिलनाडु और साथ ही साथ पंजाब, बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी। लैटेराइट मिट्टी का प्रयोग होता है, सभी लोग बताइएगा कि लैटेराइट मिट्टी का प्रयोग होता है कृषि कार्यों के लिए, वर्तन निर्माण के लिए, भवन निर्माण के लिए, बागवानी के लिए, तो अगर आप लोगों ने यहाँ पर बताया बागवानी, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी पूरी तरह से सही है। हम बढ़ रहे फिर से नए सवाल की तरफ, अगर आप लोगों ने यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ रहे फिर से एक नए सवाल की तरफ, एक नए प्रश्न की तरफ, जो आपके फिर से सामने आ रहा है। अगला आपके सामने है, किस परियोजना की व्यवस्था केंद्र में सम्मिलित नहीं है, सभी लोग बताइए फटाफट कमेंट करके, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना, रेहंद परियोजना, कोसी परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना, ये सब आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश मिल जाएगी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा तुंगभद्रा, मतलब डी। अगला है आपके सामने, कौन जलवायु परिवर्तन के खगोली सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, तो प्रश्न नंबर 33 के जवाब सभी लोग देंगे, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कि कौन जलवायु परिवर्तन के खगोली सिद्धांतों संबंधित नहीं है, पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता, पृथ्वी की घोड़ा नक्ष की त्रियकता, विषु अयन, सौर किरणित ऊर्जा। देखिए ये पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता से है, पृथ्वी घोड़ा नक्ष त्रियकता से है, विषु अयन है, लेकिन सौर किरणित ऊर्जा जो है यह खगोली सिद्धांत संबंधित नहीं है, इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी होगा। हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, प्रतिदिन क्लास का टाइम यही, आप लोग टाइम से लाइव आया करिए। अगला है, शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर कहां पर अवस्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट, कहां पर से मिलते हैं, ये सवाल कई बार पूछा है, अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, तो जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी कमेंट करेंगे, तो एकदम सही जवाब लेके दिया है अटलांटिक महासागर, ये वाला जवाब यहां पर पूरी तरह से सही है।
कौन सा नासा का अंतिम अंतरिक्ष यान रहा है? अटलांटिस, कोलंबिया, डिस्कवरी, एंडवर। सभी लोग जवाब दीजिएगा, सभी लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं बताइए, सभी लोग फटाफट कमेंट करके। यहाँ पे अटलांटिस इस प्रश्न का सही जवाब है। संसार का सबसे ऊंचा जलपात कौन सा है? नियाग्रा, साल्टो एंजल, रिब्बन, टुगेला। प्रश्न नंबर 36 को सभी साथी जवाब देंगे, जितने भी साथी इस प्रश्न को हमारे साथ पढ़ रहे हैं। तो साल्टो एंजल जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचा जलपात, अर्थात सवाल का उत्तर क्या होगा भी। इन सब के स्क्रीनशॉट रख लो, से क्लास खत्म होने के बाद टेलीग्राम पर सब कुछ आपको पूरा मिल जाएगा। अगला आपके सामने है, विश्व में सर्वाधिक रबर उत्पादक करने वाला देश कौन सा? बहुत आसान है, सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दे लेंगे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बताइए। रबर की अगर हम जब भी बात करते हैं तो थाईलैंड। सी, यूरोप के लौह उत्पादन में रूस का स्थान क्या है? लौह की बात जब भी आती है तो यूरोप के लौह उत्पादन में देशों में प्रथम है। महासागरों की औसत लवणता क्या है? कई बार सवाल पूछा गया, सभी लोग बताइएगा। 40% है, 42% है, 35% है, 45%। तो यहां पर आपको जो विकल्प है वो आपका होगा 33 से 35%, अर्थात इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर होगा सी। तो कितने लोगों के यहां इस प्रश्न का उत्तर आए, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अगला आपके सामने एनडीडीबी, ध्यान दीजिएगा, एनडीडीबी प्रश्न नंबर 40 की बात करें तो 2017 में विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादक वाला देश था तो यहां पर भारत होगा। देखिए ये करंट का सवाल था, ठीक है, मतलब ये सीए का यहां पर सवाल था। अगला है, मैक्सिको में सबसे बड़ा उत्पादक है, मैक्सिको तांबा का, जस्ता का, सोने का, चांदी का। तो सभी लोग जवाब दीजिए कि सब लोग जानते हैं, एकदम हलवा सवाल है, डी चांदी का। लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण भुखमरी से लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी कहां पर? जर्मनी, चीन, रूस, वियतनाम। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका, बी चीन में। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं आपके साथ, ठीक है, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं शेयर जरूर करेंगे। कौन सा है द्वीपी महाद्वीप है? तो किसे द्वीपी महाद्वीप, मतलब ऐसा महाद्वीप जो चारों तरफ जल से घिरा हो। सभी लोग जवाब देंगे, चाहे से फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे से यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं कॉमेंट जरूर करिएगा। ऑस्ट्रेलिया को हम द्वीपी महाद्वीप के नाम से जानते हैं, यह चारों तरफ किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा होने के कारण इसे द्वीपी महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। प्रत्येक सूर्य ग्रहण को होता है केवल पूर्णिमा के दिन, केवल अमावस्या के दिन, ए और बी दोनों, न तो एक न तो बी। सभी लोग जवाब देंगे, जितने भी साथी हमारे साथ पढ़ रहे हैं कमेंट सेक्शन में जाएंगे, केवल अमावस्या के दिन। तो जितने भी लोग पढ़ रहे थे क्या सबको समझ में आ गया? किसी के मन में कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, ठीक है, ठीक है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है, कह रहा निम्नलिखित की सूची को सम्मिलित कीजिएगा, नीचे सही उत्तर दिया गया कूट को इसको आपको बताना है, सभी को बताना है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट इसको कमेंट करके बताएं हमको क्या होगा। एलुसियन द्वीप, बियर द्वीप, ग्रीनलैंड, सेंट फ्रोजेसेस द्वीप। तो किस पर किसका अधिकार है? ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है किसी को पता है? डेनमार्क अधिकार है। अब सी का तो कहां पर है? यहां पर है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए होगा। एलुसियन द्वीप की अगर हम बात करें तो यूएसए का इस पर अधिकार है। बियर द्वीप पर किसका अधिकार है? नॉर्वे का है। और फ्रेंच जोसेफ द्वीप पर रूस का अधिकार है। इस प्रकार सवाल का उत्तर क्या होगा, ए। तो सभी लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, किसी के मन में कोई सवाल हो तो पूछ सकता है, ठीक। हम आगे चलते अगले सवाल की तरफ, निम्नलिखित में से किसे झीलों की वाटिका कहते हैं? न्यूजीलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, ग्रीनलैंड। तो यहां पर होगा फिनलैंड। भारतीय निर्यात की अगर हम बात करें, फिनलैंड इस प्रश्न का है ऊपर। भारतीय निर्यात की मंद प्रगति की क्या कारण है? विदेशी प्रतियोगिता, निम्न स्तर का माल, ऊंचे मूल्य, उपरोक्त सभी। तो विदेशी प्रतियोगिता, ऊंचे मूल्य और निम्न स्तर का माल, मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। आंतरिक व्यापार संबंधित है, आंतरिक व्यापार संबंधित, सभी फटाफट कमेंट करके बताएं कि आंतरिक जो व्यापार है किससे संबंधित है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग जवाब दीजिएगा। सार्वजनिक खर्च से, करारोपण से, शेयर बाजार से, घुड़दौड़ से। तो शेयर बाजार से। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा सी। तो यहां तक कितने ऐसे लोग हैं जिनको समझ में आ गया, सभी लोग इसे ध्यान से देख लेंगे और कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रश्न होगा तो जरूर पूछेंगे, ठीक है। यहां पे देखिए घर बैठे सभी नोट्स आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ वीडियो में बने हैं वे सभी लोग, चाहे फेसबुक पर, चाहे यूट्यूब पर, जहां भी आप देख रहे हैं, यहां पे घर बैठे आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, सभी लोग।
और यहाँ पे सभी प्रकार नोट्स हैं। यहाँ पे एक नंबर दिया गया ऑफिस का, इस नंबर पर व्हाट्सएप कॉल करके। अगला आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच क्या है? IMF, फुल फॉर्म बताइएगा। IMF है, IFC का फुल फॉर्म बताइएगा, WTO, विश्व बैंक। अब आपको ये बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सुरक्षा कवच क्या है। एकदम सही आप लोगों ने बताया, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का पुराना नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि WTO का पुराना नाम क्या था। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं जो आपके सामने है। गैट का गोल अधिवेशन सामान्यतः प्रतिवर्ष होता है जिनेवा में, नई दिल्ली में, लंदन में, न्यूयॉर्क में। जिनेवा इस प्रश्न का सही जवाब है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए क्षेत्रों में योगदान का कौन सा सही मतलब हरासमान क्रम है? सभी इसका जवाब देंगे, सेवा, उद्योग, कृषि। सबसे अंत में कृषि है और सबसे पहले सेवा है। यहां पर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो यहां तक आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, फिर भी कोई डाउट होगा जी। एकता जी बताइए, WTO का पुराना नाम क्या था, उसका फुल फॉर्म क्या था? दोनों आपको जवाब देना है, नाम और फुल फॉर्म दोनों आपको इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताने हैं। सभी लोग फटाफट बताइए। अगला सवाल है, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है वित्त मंत्रालय द्वारा, रिजर्व बैंक द्वारा, योजना आयोग द्वारा, CSO द्वारा। जी हाँ, डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। डी इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक, उसे सी नाम जानते हैं। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की रक्षा करता है? राज्य के, व्यक्ति के, राज्य और व्यक्ति दोनों के। जी हक्ता जी, आपका जवाब सही था। उसका पूरा नाम क्या था? गैट था। तो गैट का फुल फॉर्म जरूर बताइएगा, एकता जी ने बताया है, आप भी जरूर बताइएगा। व्यक्ति और राज्य दोनों, व्यक्ति और राज्य दोनों। इस प्रश्न का सही जवाब है। किसी के मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। अगला है, देश में पंचवर्षीय योजना शुभारंभ कब हुआ था? ये इकोनॉमिक्स के सवाल है, 1951 से हुआ था, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है, कई बार पढ़ा है। योजना में कोर सेक्टर का मतलब क्या होता है? कृषि, रक्षा, लोहा एवं इस्पात, चयनित आधारभूत उद्योग। यहां पर होगा चयनित आधारभूत उद्योग, मतलब इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा आपका? डी। अगला है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का प्रतिशत है 2011-12 के आंकड़े के अनुसार, सभी को यहां पर देना है। यहां पर राजस्थान का होगा डी, ये भी करंट के सवाल है। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है निर्गमित पूंजी पर, अधिकृत पूंजी पर, अभिदत्त पूंजी पर, कुल प्रयुक्त पूंजी पर। मतलब सवाल का उत्तर क्या होगा आपका? डी। अगर आपने सवाल का उत्तर डी बताया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही। भारत में लोक क्षेत्रक किस क्षेत्र में सर्वाधिक छाया हुआ है? सभी लोग सवाल का जवाब जरूर देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। इस्पात उत्पादन, परिवहन, नियत अवधि के लिए उधार देने वाली संगठित वित्तीय संस्था। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका? सी। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना की गई थी प्रथम योजना में, द्वितीय योजना में, चतुर्थी योजना में, तृतीय योजना में, सभी लोग बताइएगा। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए। समझ में आ रहा है सबको? आप लोग वीडियो को शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं? सबको शेयर कर दीजिए, इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला, भारत में भविष्य निधि है संविदा आधारित बचत, अवशेष बचत, स्वैच्छिक बचत, नियोक्ता की बचत। साठ का जवाब सभी लोग दीजिएगा। जी हाँ, यहाँ पर प्रश्न का उत्तर होगा संविदा आधारित बचत, मतलब ए वालों के जवाब यहाँ पर पूरी तरह से सही है। भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? सभी लोग जवाब दीजिएगा, सिक्योरिटीज में व्यापार करना, विदेशी मुद्रा की नीलामी करना, सोने का व्यापार करना, उसमें से कोई नहीं। तो सिक्योरिटी में व्यापार करना, ए वालों के जवाब यहाँ पर सही है। अगला है, अब यहां से संविधान शुरू होता है, सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जितने भी लोग इस वीडियो में जुड़े हैं सभी लोग फटाफट बताइएगा कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? एकदम सरल सवाल, क्योंकि मूल संविधान नहीं दिया इसलिए इसका मतलब है कि मूल संविधान ने पूछा है। तो कितना होगा? 395 अनुच्छेद, मतलब इस प्रश्न का उत्तर होगा बी। निम्नलिखित में संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जेबी कृपलानी, जे.एल. नेहरू, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। एकदम सही बताया आपने,
JL नेहरू, मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आपका? सी होगा। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है। ठीक है, अगला। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं और संविधान के हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्न शब्दों के सही शब्दों का विचारानुक्रम दीजिए। इसमें जो क्रम है, जैसे हम भारत के लोग भारत को संप्रभु प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पनपे लोकतंत्र में गणराज्य बनाने के लिए भारत के, देखिए तो यहाँ पे जो आपको जिसको पूरा याद होगा पूरी प्रस्तावना, हाँ आप लोग एकदम सही कमेंट कर रहे हैं, जिसको पूरी प्रस्तावना याद होगा वही कर पाएगा। हम भारत के लोग भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो हम भारत के लोग भारत के संपूर्ण प्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब होता है सार्वभौमिक, ये हो गया पहले पे। ठीक है, ये हो गया पहले पे। हम बात करें भारत को संपूर्ण संपन्न समाजवादी, ये हो गया दूसरे पर। फिर क्या होगा, पंथ निरपेक्ष, फिर हो ये 3 नंबर हो गया ना, ये होगा आपका 3 नंबर, ये होगा आपका 4 नंबर। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा यहाँ पर, ए। अगर आप लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ए यहाँ पे बताया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या मतलब है? बहुत बार मैंने पढ़ाया है, यह भी अब भारतीय संविधान के नोट्स में भी आपको मिल जाएगा। भारत राज्यों का संघ है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। मतलब सवाल का सही उत्तर क्या होगा आपका, बी। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल की तरफ। भारतीय संविधान मान्यता देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग बताइएगा, और सब लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग भी दुर्गेश पर जरूर जुड़िएगा। जितने भी लोग हमारे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, हाँ सभी लोग दुर्गेश सर सर्च करेगा टेलीग्राम पर, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जरूर जुड़िएगा। देखिए, केवल भाषाई अल्पसंख्यक को, केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को, दोनों को संविधान क्या करता है, मान्यता देता है। एकदम रट लीजिएगा सभी लोग जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, अगला है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूलाधिकार, भाग 4 राज्य के नीतिनिषक तत्व, भाग 5 मूल कर्तव्य। यही आपका गलत, क्योंकि ये जो मूल कर्तव्य है ये है आपका भाग 4 का, मतलब ये आपका गलत है, और जो गलत है वही आपका यहां पर सही है। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन हुआ है, ये अनुच्छेद 40, ये बात कर रहा है अनुच्छेद 40 की। अनुच्छेद 40 क्या है? नीति से सिद्धांत, माने भाग 4 की, भाग 4 जो अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है। ठीक है, किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। जितने लोग देख रहे वीडियो को फटाफट कमेंट करके बताएं। अगला है, अधिष्ठात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? युगोस्लाविया, मिस्र, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सबसे पहले ये कहां पर हुआ था? यस, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? ठीक है, जब दोनों किसी बिल पर दोनों सदनों में जब विवाद उत्पन्न होता है तो भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। यह बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। ए इस प्रश्न का सही जवाब है। जितने लोगों ने इस प्रश्न का जवाब दिया है उन लोगों का जवाब पूरी तरह से सही है। अगला आपके सामने, संविधान कौन सा संशोधन एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने का अधिकार देता है? द्वितीय संशोधन, तृतीय संशोधन, पंचम संशोधन, 7वां। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ये सभी जवाब देंगे, तो हो जाएगा 7वां संशोधन। डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला है, पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जनता के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, खुली प्रतियोगिता के आधार पर भर्ती किए जाते हैं। तो ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो आप सभी प्रश्नों को पढ़ते चलिए, स्क्रीनशॉट करते चलिए, जहां न समझ में आए आप 1 नहीं 2 बार पूछिए, 4 बार पूछिए, हम कोशिश करेंगे आपको पूरी तरह से बताने का। ठीक है, अगला सवाल है आपके सामने, कह रहा राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, 15 जनवरी, 15 फरवरी, 1 फरवरी, 25 जनवरी। तो प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। बी वाला जवाब यहाँ पे सही है। अगला है, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में सरकारी भाषाएं कितनी हैं? तो आपको पता होगा कि 22 भाषाएं हैं। एकदम सही जवाब लोगों ने दिया है। कौन सा राज्य सूची में है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जानना चाहूंगा इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर कौन देता है। राज्य सूची का विषय है
रेलवे, पुलिस, निगम कर, जनगणना, आर्थिक, सामाजिक नियोजन, सभी लोग जवाब देंगे। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो फेसबुक पर, ये वीडियो यूट्यूब पर, आपके लिए एकदम लाइव चल रहा है पूरी तरह से, निःशुल्क क्लास है मेरे द्वारा आप सभी के लिए, देशित में, राष्ट्रित में। यहां पर देखिए, जनगणना, आर्थिक सामाजिक नियोजन, निगम कर, ये संघ सूची का विषय। देखिए ये है संघ सूची का विषय, ये है आपका संघ सूची का विषय, ये है आपका संघ सूची का विषय। लेकिन रेलवे पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है। रेलवे किसका विषय है आपको पता है? रेलवे, रेलवे संघ सूची का विषय है, लेकिन जो रेलवे पुलिस है ये राज्य सूची का विषय है। एकदम रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, परीक्षा में कभी गलती मत करिएगा, क्योंकि सब ये जानते हैं जो रेल होता है वो संघ सूची का विषय है, लेकिन जो रेलवे पुलिस होता है वो राज्य सूची का विषय होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा, क्योंकि बार बार लोग गलती करते हैं। ये ऐसा प्रश्न है जो आदमी खुद में कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। एकता जी समझ में आ रहा है आपको? सचिन जी आपको समझ में आ रहा है? हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो साथी फेसबुक देख रहे हैं कमेंट करके बताएं। अगला आपके सामने, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय। आर्थिक योजना किसकी होगी? आर्थिक योजना कौन लाता है? संघ सूची की, राज्य सूची की, समवर्ती सूची? संघ सूची। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका भी? अगला प्रश्न आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी लोग इसको पढ़ रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौता, जिसमें अगर हम बात करें, दोनों देशों ने एक दूसरे के प्रभुसत्ता में बस्तियों को सौंपने के लिए सहमति दी थी, 72 में, 73 में, 75 में, 74 में। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा 1974, अर्थात डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से दलित व्यवस्था किसका एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? सभी लोग जवाब देंगे जितने लोग देख रहे हैं। सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक। तो सीधी सी बात है, जो दल है वो किसका विषय है? तो एकदम अनिवार्य रूप से पढ़ते चलेगा, जितने भी लोगों के मन में कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो, पूछते चले। अगला सवाल आपके सामने है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 1981 में, 86 में, 95 में, 2008। अब यहां से भारतीय संविधान खत्म, अब आपकी तरफ बढ़ा है पर्यावरण के सवाल। ये 1986 होगा, मतलब बी वालों के जवाब यहां पर सही है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कार्बन चक्र, जल चक्र, हाइड्रोजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र। यहां पर होगा सौर विकिरण सबसे महत्वपूर्ण जल चक्र। एकदम हलवा सवाल है। रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ था अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन, पर्यावरण प्रदूषण सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय नई व्यवस्था। एकदम हलवा से प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जरा आप लोग बताइए कमेंट करके, सबके सही हुए, कोई ऐसा भी तो नहीं है जिसको समझ में ना आया हो। अगर ना आया हो तो कमेंट करके पूछे, ये आप सबको लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में मिल जाएगा। इसलिए मैं कई बार आपसे कहा कि नोट्स भी पढ़ते चलिए। अगला है आपके सामने, फिर पर्यावरण के ही सवाल है आपके सामने। कह रहा है कि पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। अगर ऊर्जा की बात करें तो अपने आप आपके मन में आता है सर सौर विकिरण ही तो है। कौन सा सही सुमेलित है? पर्वत सर्वाधिक स्थायी परितंत्र है, गलत। अजैविक अवयव जीवाणु, गलत। हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा, सही है। वर्षा ग्लोबल वार्मिंग, गलत। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा सी। जैव विविधता के ह्रास के कारण क्या है? जैविकता के ह्रास के कारण क्या है? आवासीय प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का समावेशन, अत्यधिक दोहन, प्राकृतिक आवासीय निवास। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे जवाब जरूर देंगे। हम चाहते हैं प्रश्न नंबर 84 का जवाब सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दें। टाइम भी आपकी चल रही है। तो यहां पे है प्राकृतिक आवासीय विनाश, डी वालों इस प्रश्न का जवाब सही है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है टुंड्रा में, शंकुधारी वनों में, उच्च गठबंधी वर्षा वनों में, शीतोष्ण वनों में। 85 का जवाब सभी साथी दीजिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ये साथी फेसबुक पर, यूट्यूब पर। तो सर्वाधिक जैव विविधता के पूरे ग्लोब पर बात किया जाए तो 0 डिग्री के आसपास पाई जाती है, मतलब यहां पर इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा। ठीक है, उच्च गठबंधी वर्षा वन। हरितगृह प्रभाव का मतलब क्या होता है? हरितगृह का मतलब समझ लें, ग्लोबल वार्मिंग का क्या मतलब है? ग्रीन हाउस गैस का क्या इफेक्ट है? ग्रीन हाउस, यहां पे ग्रीन हाउस की बात कर रहा है, यहां पे ग्रीन हाउस का क्या प्रभाव है? बढ़े हुए तापमान में सब्जी फूलों का उत्पादन, गलत। शीशे के मकानों में खाद्य फसलों का उत्पादन, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। यहां भी सी सही है, यहां पर भी सी सही है। तो यहां तक इस लोग को समझ में आया, कितने कोई डाउट है वो भी पूछ सकता है। तो बताइए फटाफट कमेंट करके। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं।
आप ओजोन परत मुख्यतः पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ है? एकदम हलवा सवाल है, ये समताप मंडल में है। ठीक, अगला है, कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? एकदम हलवा सवाल, इसका जवाब हम नहीं देंगे, इसका जवाब आपको देना है। और सभी लोग टेलीग्राम पर दुर्गे सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गे से जरूर जुड़ेंगे। जितने भी साथी मित्र हमारे साथ इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, हमारे साथ वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग जवाब जरूर देंगे। नाइट्रस ऑक्साइड अग्निशमन में प्रयुक्त हेलोन, देखिए यहां पर क्या होगा, मेथाइल क्लोरोफॉर्म, यही आपका नहीं प्रयोग होता, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर डी दिया है, इसका प्रयोग नहीं होता, इसलिए इसको डी। नाइट्रस ऑक्साइड है, अग्निशमन है यह है, लेकिन यह आपका गलत है, जो गलत है वही आपका यहां पर सही है। ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, किसी का कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। देखिए एनसीईआरटी के जो सभी नोट्स है पीडीएफ में आप कक्षा 6 से लेकर 12 तक के सभी एनसीईआरटी के नोट्स एक ही जगह प्राप्त कर सकते हैं, वो भी ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप को जो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आज ही लर्निंग विद दुर्गेश के प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करिएगा। एनसीईआरटी के सभी बुक हिंदी और अंग्रेजी मीडियम में वहां पर उपलब्ध है। अगला है, अब यहां से देखिए साइंस का सवाल शुरू होता है, अब यहां पर सामान्य विज्ञान शुरू हो गया। एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है? एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है? तो 10^-12 ग्राम के। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है, आपके जवाब पूरी तरह से सही है, सभी लोग के जवाब यहाँ पे सही है, जितने लोगों ने कमेंट किया है। अगला है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट ऊपर त्वरित गति से जा रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, समान वेग से जा रही हो, समान वेग से नीचे आ रही हो। यहां पर होगा, जब लिफ्ट ऊपर त्वरित गति से जा रही हो तो उसको अपना भार पता चलता है। यदि एक कण का वेग अपने प्रारंभिक मान का एक तिहाई कर दिया जाता है तो कण की जो गतित ऊर्जा है वो क्या होगी, बताइए। एक तिहाई कर दिया जाए तो 1/9 गुना। बी वालों का जवाब यहां पे सही है। कितने लोग का जवाब यहां पे सही है जरा कमेंट करके बताइएगा। अगला है, वायु की परचक्री क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जाती है। बर्नौली के प्रमेय के आधार पर, पवन द्वारा पैदा किए गए प्रक्षोभ के आधार पर, वायु के उत्प्लावक के आधार पर, पवन की दिशा में अचानक परिवर्तन के आधार पर। तो बर्नौली के प्रमेय के आधार पर सवाल का उत्तर हो गया आपका ए। अगला है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी को बहने से, रसोई गैस से, ठोस के पिघलने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। किसी कमरे को ठंडा करना है तो सीधे से जानते हैं आप लोग, इसको संपीड़ित गैस को छोड़ने से। ये सब ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में आपको एक ही जगह मिल जाएगा। अगला, वायु में ध्वनि का वेग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तापमान के बढ़ने से घटता है, इस प्रश्न का सही जवाब है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर क्या बनता है? एक आक्सीकारक क्षारी प्रकृति का है, एक उपचाक अम्लीय प्रकृति का। यहां पर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ते हैं फिर से नए सवाल की तरफ। ठीक है, फोटोग्राफी में स्थानीयकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन होता है सोडियम सल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, अमोनियम परसलेट, बोरेक्स सुहा। यहां पर सोडियम थायोसल्फेट, बी। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होगा? CNG का फुल फॉर्म क्या होगा, बताइए सभी लोग। CNG का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एकदम सही जवाब आपने दिया है। मोती मुख्य रूप से बना होता है, सभी साथी जवाब दीजिएगा, मोती मुख्य रूप से बना होता है कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट से। तो जितने लोगों ने इस प्रश्न का जवाब सी दिया उन सबका जवाब यहां पर सही है। हम बढ़ते हैं फिर से अगले सवाल की तरफ। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है, नाखून पॉलिश परिमार्जन क्या रहता है? एसीटोन, बेंजीन, पेट्रोलियम ईथर, एसिटिकम। तो हो जाएगा एसीटोन। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया तो आपका जवाब सही है। निम्नलिखित में किसका उपयोग दिया सलाई, आप जानते हैं जिसको आप सलाई कहते हैं, माचिस कहते हैं, माचिस की बात की जा रही है, माचिस के निर्माण में क्या जाता है? डाई फास्फोरस, काला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सिंदूरी फास्फोरस। तो आप जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, लाल फास्फोरस। ये 100वां प्रश्न, अभी तक हम लोगों ने 100 प्रश्न पूरे पढ़ लिए हैं एक एक करके। सोचिए कितना समय हुआ आपके क्लास का,
अब आप लोग वीडियो को शेयर करिए ताकि हम लोग जल्दी से आपके पूरा टॉपिक को पूरा पढ़ लें। एटीपी का निर्माण होता है माइटोकांड्रिया में, राइबोसोम में, गाल्किची का है। तो सभी लोग जवाब दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा माइटोकांड्रिया। ए वाला जवाब यहाँ पे पूरी तरह से सही है। किसी के मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। ठीक है, हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इबोला वायरस का नाम कहाँ से दिया गया? इबोला वायरस का नाम कहाँ से दिया गया? एक शहर का नाम है, एक पर्वत का नाम है, एक नदी का नाम है, एक प्रांत का नाम है। अफ्रीका महाद्वीप में है, अफ्रीका। अगर अफ्रीका महाद्वीप की अगर हम बात करें, सभी लोग ध्यान से बताइए, अगर हम अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका महाद्वीप की, अफ्रीका की नदी, मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी। अगला है, नारियल के खाने योग्य भाग होता है भ्रूण व तेल युक्त भ्रूणपोष, भ्रूण, संपूर्ण फल। तो संपूर्ण फल गलत हो जाएगा, भ्रूण व तेल युक्त भ्रूण इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल है, कौन सा अधिक कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? बाघ, केचुआ, कस्कुट्टा, क्लोरेला। तो आप इस प्रश्न का उत्तर होगा क्लोरेला। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ते हैं फिर से नए सवाल की तरफ। अगला है, एक पौधे में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार होता है आहार वहन के लिए, अमीनो एसिड के वहन के लिए, जल वहन के लिए, ऑक्सीजन वहन के लिए। तो जल वहन के लिए जाइलम जिम्मेदार होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। संगरोध विनिमय का संबंध किससे है? सभी जवाब दीजिएगा। पौधों की बढ़िया किस्म पैदा करने से, गलत रोगयुक्त प्रवेशन को रोकने से। जी हाँ, बी वालों के जवाब यहाँ पे पूरी तरह से सही है। तो यहां तक आप चाहे तो स्क्रीनशॉट रख लें, क्लास खत्म होने के बाद इसकी पीडीएफ फेसबुक पे, ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पे और ई लर्निंग विद दुर्गेश के टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। हम इसी के साथ आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला है सामने मिलान करना है, बमरौली, चकरेरी, हिंडन, फुरसतगंज, ये सब हवाई अड्डा है। अगर बमरौली की बात की जाए कि बमरौली कहां पर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा और आप लोग जानते हैं। बमरौली जो है आपके प्रयागराज में। चकेरी पढ़ा है आपने, चकेरी कहां पे है? कानपुर में चकेरी है। हिंडन कहां पे है बताइए? गाजियाबाद में है। फुर्सतगंज, रायबरेली, ये प्रमुख हवाई अड्डा है। इसलिए सवाल का उत्तर क्या होगा? बी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो आपके सामने है, ध्यान से प्रश्नों को पढ़िएगा। कह रहे हैं, निम्नलिखित देश का सबसे लंबा आंतरिक जल मार्ग कौन सा है? काकीनाडा मरक्कम, कोल्लम कोट्टापुरम, सदिया धुबरी, प्रयागराज हल्दिया। डी, लगभग 1600 किलोमीटर है। सोनभद्र में निम्न धातु में कौन सी पाई जाती है? सही कूट का यहां पे चयन करना, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। यूरेनियम नहीं पाया जाता, ये ललितपुर में ज्यादा पाया जाता है। एंडासुलाइट, डोलोमाइट, पायराइट। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका? बी। तो अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है तो आपका जवाब सही है। ठीक है, हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने कौन सा उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना, ये यूपी स्पेशल है, ये भी आपके सिलेबस में, अगर आपने पूरा सिलेबस पढ़ा होगा तो आपको जानकारी होगी। शारदा सहायक नहर परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना। सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला है, उत्तर प्रदेश की खरीफ की फसल बोई जाती है जनवरी फरवरी में, अप्रैल मई के दौरान, जून जुलाई के दौरान। तो जो खरीफ है वह जून जुलाई के दौरान बोई जाती है। निम्न में कौन सा राज्य विश्वविद्यालय, कमेंट करके जवाब दीजिएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ। डी, ये राज्य विश्वविद्यालय। सभी लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? टोडरमल सीतापुर सही, अबुल फजल आगरा, बीरबल कन्नौज गलत, जयाद्दीन बरनी बुलंदशहर। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी, माने जो गलत है वही यहां पर आपका सही है। हम बढ़ते हैं फिर से अगले सवाल की तरफ जो आपके सामने है, फिर से मिलान करना है। नगरीकरण, बस्ती पर नगर की रचना, नगर का पूर्ण विकसित होना, ये मानव भूगोल का सवाल है। जी हाँ, नगरी बस्ती का प्रारंभ यू पोलिस ने किया था। नगर की रचना की अगर हम बात करें तो नगर राज्य, नगर का पूर्ण विकसित होना अगर हम बात करें तो विश्व नगरीकरण, मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर ए बताए हैं तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ते हैं फिर से नए सवाल की तरफ। महाद्वीपों में सर्वाधिक कौन सी नगरीकृत है? कौन सी महाद्वीप सर्वाधिक नगरीकृत है बताइए? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप। अगर नगरीकृत की बात की जाए तो सभी लोग बताइए फटाफट कमेंट करके, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। यूएसए, उत्तरी अमेरिका नगरी की सबसे ज्यादा, मतलब यूएसए ने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप।
2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित किसका घनत्व सर्वाधिक है? लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, प्रयागराज। बहुत ही यूनिक सवाल है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, मैं चाहूंगा इसका जवाब जरूर दीजिएगा। गाजियाबाद। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन है? माल्थस जी ने कहा था प्रकृति एक मेज के समान है, अगर उससे ज्यादा उतने लोगों को भोजन परोसती है जितने लोग उसके पास है। अगर ज्यादा लोग आते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे कुछ लोग भूखे रहना पड़ता है, उन्हीं की ये थियरी है, ठीक है, कि जो जनसंख्या बढ़ती है ना वो ज्योमेट्री मेथड से बढ़ती है, लेकिन जो खाद्यान्न बढ़ता है ना अर्थमेटिक मेथड से बढ़ता है। ये किसका थियरी है? ये माल्थस जी का कहना था। यहाँ पे क्या है, जन्म नियंत्रण से था, मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या है, डी होगा। तो सभी लोगों ने इस प्रश्न का जवाब सही बताया होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, आपके सामने दो प्रश्न है, शायद आप लोग को दिखाई भी दे रहा होगा। कह रहा है कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है? ये भी आपके सिलेबस में है, अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर, विवाह, प्रवचन। तो यहां अगर हम बात करें अशोधित दर और अशोधित मृत्यु दर, इस प्रश्न का उत्तर होगा केवल ए और बी दोनों, मतलब इस पर सवाल का उत्तर होगा बी। निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष में भारत में लिंगानुपात 946 था? किस में सेक्स रेशियो 946 था? सभी लोग जवाब दीजिएगा, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करिए, कब भारत का सेक्स रेशियो 946 था, लिंगानुपात? जी हाँ, 1951, एकदम सही जवाब। जितने लोगों ने इसका 1951 बताया उन लोग का जवाब पूरी तरह से क्या है, सही है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं जो आपके सामने है। देखिए आज का आखिरी सवाल है, जनगणना से है, जनगणना 2021 का थीम क्या था? क्योंकि आप जानते हैं 2021 की जनगणना नहीं हुई, किसके कारण? कोविड के कारण, कोविड-19 के कारण जनगणना 2021 की नहीं हो पाई। इसकी थीम क्या रखी गई थी, कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। सभी लोग टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर जरूर जुड़ेंगे, सभी क्लास की नोट्स और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको क्लास खत्म होते ही टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं घर बैठे सभी नोट्स आपको मिल जाए, ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर व्हाट्सएप करके सभी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि मेरे द्वारा ये क्लासें निःशुल्क देशित में राष्ट्रीय में चलती है। ये सभी क्लासेज जनपद जौनपुर से आप सभी के लिए लाइव चल रही है। आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक करके रखिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, अपने सभी मित्रों को बता दीजिए क्लास की टाइमिंग, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रश्नों को रिवीजन करना। जितनी बार आप प्रश्न को सुनेंगे पढ़ेंगे उतना आप मजबूत होंगे। तो सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, चैनल पे आइएगा, सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करेगा, कोई व्यक्तिगत सवाल हो ई-लर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पे अपने सवाल पूछ सकते हैं, और ई-लर्निंग विद दुर्गेश ऐप डाउनलोड करके एनसीईआरटी के साथ साथ सभी नोट्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, जन भागीदारी से जन कल्याण, मतलब बी वालों का जवाब यहां पर पूरी तरह से सही है। तब सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और टाइम से क्लास में टाइम तक बने रहेगा। कोई अगर आपका सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो को खूब धुआंधार शेयर करिए, ठीक है। सभी का थैंक यू। हाँ, सभी का थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। हाँ, शेयर कर दीजिए, इसमें आप लोग को दिक्कत क्या है, सभी फटाफट अंदाज इस वीडियो को शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, कर भला तो हो भला, क्योंकि सीरीज काफी अहम है, ये सीरीज काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप सभी का थैंक यू है, लेकिन वीडियो को शेयर करते रहेगा तब। हाँ, जो फेसबुक पे देख रहे हैं फेसबुक पर शेयर करें, जो यूट्यूब पर देख रहे हैं यूट्यूब पर शेयर करें, ठीक है। चलते हैं एक नए सेशन के साथ, मिलते हैं फिर से कल इसी समय इसी चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और सभी को बेस्ट ऑफ लक। कल से एकदम टाइम से रहिएगा क्लास में, और अपने सभी मित्रों को क्लास के बारे में बता दीजिएगा। बाय बाय।